खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जब कोरोना काल में प्रशासन का अमानवीय व संवेदनहीन चेहरा आया सामने। आपको बता दें, यह पूरा मामला आगरा के थाना खंदौली के नंदलालपुर के राम मनोहर गैस प्लांट का है, जहां एसडीएम एदमादपुर प्रियंका जैन का अमानवीय चेहरा सामने आया। ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचकर तहसीलदार मैडम ने की सारी हदें पार। सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद मरीजों के तीमारदारों को ऑक्सीजन देने से इनकार किया। वह मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए तीमारदारों के ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदार खुद ही अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि तीमारदारों के मरीज अस्पतालों और घरों में गंभीर रूप से तड़प रहे हैं, फिर भी तहसीलदार मैडम ने मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले जाने दिए। मरीजों के तीमारदार मैडम से हाथ जोड़कर विनती करते रहे, लेकिन मैडम का दिल नहीं पसीजा। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो मैडम साहिबा के इशारे पर तीमारदारों के साथ मारपीट की गई, वे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना कर दिया गया। आखिर किसकी शह पर कर रही है मैडम साहिबा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़? मरीजों को जीवन दान देने वाले ऑक्सीजन पर जूते रख कर खड़ी है मैडम साहिबा। बताया यह जा रहा है कि मैडम ने अस्पताल चालक पर सिलेंडर की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया तथा इस घटना की पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।